अपने काम में बने एक रॉक स्टार ऑडियो बुक बाय मिलियनियर माइंड्स अभी अभी मैंने फॉर्च्यून पत्रिका में गूगल पर एक आर्थिक सफलता पर लिखा हुआ लेख पढ़ा इस लेख ने मेरे दिमाग में कई तरह के विचारों को जन्म दिया इस लेख ने मुझे काम के प्रति पूरी समर्पितता दिखाने के बारे में सोचने पर मजबूर किया किस तरह पूरी क्षमता से लगन के साथ अपना काम लगन के साथ पूरा किया जा सकता है अपनी बड़ी परियोजनाओं और अच्छे अवसरों के प्रति समर्पित होकर काम करते रहना चाहिए हर दिन दो टाइम की रोटी पाने के लिए क्या एक रॉकस्टार की तरह काम करना जरूरी है काम हमारे जीवन को अर्थ देता है काम की वजह से आत्मसम्मान बढ़ता है और धरती पर हमारे होने का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है आप जिस संगठन के लिए काम करते हैं वह काम आपने खुद को एक तरह से तोहफे के रूप में दिया होता है काम में महान होने के नाते आपका व्यक्तिगत सम्मान तो बढ़ता ही है साथ ही साथ आपका जीवन भी रोचक बन जाता है जो अच्छा काम करते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है जब आप अपनी सर्वोच्च प्रतिभा के साथ एक गहराई से काम करते हो तब आप खुद को अमीर खुशगवार और जीवन जीने के अनुभव से समृद्ध करते हो जिस दिन आप बहुत अच्छा और कारगर काम करते हो तो आपको कैसा लगता है जब आप बेहतरीन से बेहतरीन काम करते हो अपने सहयोगियों के साथ मजे करते हो और अपने ग्राहकों के लिए एक क्षमता से ज़्यादा मेहनत करते हो तब आपको कैसा लगता है और जीवन जीने के लिए जब आप दिल खोल देते हैं तो कैसा लगता है जब आप अपने सबसे कठिन लक्ष्य तक पहुँच उसे पा लेते हो तब आपको कैसा लगता है बहुत अच्छा लगता है ना अच्छा काम करने के लिए सबसे बड़े खिताब की जरूरत नहीं होती डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो मेरे आदर्श नायकों में से एक हैं के एक वक्तव्य ने मुझे इस मुद्दे पर सोचने के लिए मजबूर किया उन्होंने अवलोकित किया था कि अगर कोई इंसान कूड़ा साफ करने वाला हो तो उसने माइकेलो एंजल की पेंटिंग की तरह रास्ता साफ करना चाहिए या फिर जिस तरह बिथोवन संगीत तैयार करता है उस तरह या फिर उस तरह जिस तरह शेक्सपियर रचनाएं करते हैं जब वह सड़क साफ करेगा तो स्वर्ग और पृथ्वी पर रहने वाले एक पल के लिए ठहरें और उनके मुंह से यह निकले कि यहाँ कचरा साफ करने वाला एक महान इंसान रहता है जिसने अपना काम बखूबी से निभाया है इसीलिए एक रॉकस्टार बनकर काम करना चाहिए जीवन के इस दिन के मंच पर चलते हुए दिल खोलकर काम करें जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो ताकि आपको देखने वाले आपकी तारीफ करें और आपको प्रोत्साहित करें फिर आप तांबा बेचने वाले बने रहो या काउंटिंग करने वाले या कोई इंजीनियर और जब आप सफल हो जाओगे और लोग आपका हस्ताक्षर मांगेंगे तो उस समय मुझे एक पत्र लिखें आपसे यह सुनते हुए मुझे खुशी होगी कि आप सफल हो चुके हो